हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करंट अफेयर्स में आपके लिए कुछ टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक हैं सर 6 अगस्त से टॉपिक हैं वो। और तो पहला टॉपिक इसमें आप देखिए, तो पहला टॉपिक है इम्प्रिंट इंडिया। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज इम्प्रिंट ऑफ इंडिया, द इम्प्रिंट इंडिया। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, इम्प्रिंट इंडिया है क्या? एक्चुअली इम्प्रिंट इंडिया इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। इतने से इतने प्रोग्राम है इम्पैक्ट इम्प्रिंट इंडिया, इतने से प्रोग्राम है। किस किस के सहयोग से लाया जा रहा है? आईआईटी एंड आईआईएससी, आईआईटी और आईआईएससी के ज्वाइंट कॉम्बिनेशन से चलाया जा रहा है और उसमें एचआरडी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इम्प्रिंट इंडिया इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका फुल नाम है। और इसे कौन चला रहा है, किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? आईआईटी और आईआईएससी के ज्वाइंट कॉम्बिनेशन से चलाया जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री है, उसके सहयोग से चलाया जा रहा है। क्यों है? सॉल्व मेजर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो इंजीनियरिंग है के माध्यम से जो हम इंडिया में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोला था कि आईआईटीज को भारत के विकास में या भारत की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन निकालने के लिए सामने आना चाहिए। तो इम्प्रिंट इंडिया जो इंजीनियरिंग के माध्यम से भारत की जो डेवलपमेंट है उसमें कैसे सहयोग किया जा सकता है, उसके लिए शुरू किया गया, ठीक है। एचआरडी शुरू किया, यानी अगर कोई इंजीनियर है तो किस तरह से भारत के डेवलपमेंट में, भारत के वेलफेयर में, है ना, भारत के इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे सपोर्ट कर सकता है, ये उसके लिए शुरू किया गया, ठीक है। सोशल वेलफेयर यानी हमारे यहाँ जो आईआईटीज हैं, जितने भी आईआईटी हैं वो लोग कहते हैं कि मशीनरी है ना, तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि भाई आईआईटीज को इंडिया के डेवलपमेंट में आगे आना चाहिए और उन्हें जो अपना इनोवेशन है ना, जो अपना आविष्कार उन्होंने जो कर रहे हैं उसका देश के हित में लगाना चाहिए। किस किस पे काम कर रहा है? एनर्जी पे, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर सिक्योरिटी एंड डिफेंस डोमेन, यानी उन्होंने कहा है इम्प्रिंट इंडिया के माध्यम से एनर्जी पे काम करना चाहिए, किसको? आईआईटीज को एंड आईआईएससी को, और सिक्योरिटी सुरक्षा पे एंड हेल्थ केयर स्वास्थ्य पर, और डिफेंस डोमेन यानी सुरक्षा संबंधी विषयों पर भी आईआईटीज को आईआईएससी को सहयोग करना चाहिए भारत सरकार का, ठीक है। तो ये था इम्प्रिंट, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा इम्प्रिंट और इम्प्रिंट इंडिया क्या है। इम्प्रिंट इंडिया भारत सरकार द्वारा आईआईटी आईआईएससी के सहयोग से चलाया गया एक प्रोग्राम है और इसमें भारत सरकार चाहती है कि आईआईटीज का आईएससी का कैसे इंडिया के डिफेंस में, इंडिया के एनर्जी में, इंडिया के हेल्थ में, यानी इंडिया के डेवलपमेंट में कैसे उनका सहयोग लिया जाए या वो कैसे सहयोग करें, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, AICHR, इंडियन इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। सबसे पहली बात है ये एक कोर्ट है, किसका कोर्ट है? ये यूएसए में कोर्ट है, थोड़ा इसके देख लेते हैं, ये है, ओके, हाँ, द IACHR, ठीक है, इंडिपेंडेंट मल्टीनेशनल कोर्ट, यानी बहुत से राष्ट्रों का ये कोर्ट है ह्यूमन राइट केसेस ऑफ पीपल, यानी जितने भी इस कोर्ट के मेंबर हैं उनमें अगर कहीं भी मानवाधिकार का हनन होता है तो इस कोर्ट में उसका केस आ सकता है।
और ये अपील करते हैं भाई आपको अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स को सेव करना है, उनको सुरक्षा देनी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, स्टेट यानी एक ग्रुप है क्या OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, यानी जो अमेरिका के स्टेट हैं उनका एक ग्रुप है, उनसे वहाँ अगर कोई भी मानवाधिकार हनन होता है तो वो केस यहाँ पर आ सकते हैं और ये उनको एडवाइज करते हैं कि भाई आप लोग जो मानवाधिकार हनन हो रहा है उस पर आप जितना जल्दी हो सके आप इस पर रोक लगाइए। ठीक है, आर नेशन है एन ऑब्लिगेशन टू द इंस्टीट्यूशन द IACHR ने ये कहा है कि सभी देशों का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि भाई कि वो इंश्योरेंस ऑफ सेफ यानी जो मानव की सुरक्षा है उसको सेव करे, सुरक्षित करे। सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा कि इंटर अमेरिकन कोर्ट, ठीक है, तो ये था ह्यूमन राइट, इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट। और नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट यानी ये क्या है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, अभी जो हमने पीछे बात की थी तो ये एक्चुअली ये देख लीजिए यहाँ पर है, ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये विश्व का सबसे पुराना रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आल 35 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अमेरिका यानी सभी 35 राज्य अमेरिका के इसके सदस्य हैं। इसका काम क्या है, पॉलिटिकल जुडिशियल एंड द सोशल गवर्नमेंट फॉर्म, यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यू हो, जुडिशियल इश्यू हो या सोशल इश्यू हो या कोई गवर्नमेंट का इशू हो, ये लोग मिलकर इस पर काम करते हैं। इंडिया इज अ ऑब्जर्वर मेंबर यानी इंडिया हैज़ अ ऑब्जर्वर स्टेटस इन OAS, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन स्टेटस स्टेट्स। किस पे काम करते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है, ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, सॉरी ये ह्यूमन है, ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे एक बार करेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो सबसे पहला है सिंपल सा क्वेश्चन, जब भी बनेगा तो बनेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स क्या है, तो ये विश्व का सबसे पुराना एक ग्रुप है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और ये क्या है, जितने अमेरिकन स्टेट हैं उनमें अगर कोई भी पॉलिटिकल इश्यू हो, जुडिशली इश्यू हो या गवर्नमेंटल इश्यू हो उसको ये सॉल्व करते हैं। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट में कौन सा कंट्री शामिल नहीं है या कौन से कंट्री शामिल है, तो ध्यान रखना है इंडिया इज़ अ ऑब्जर्वर मेंबर ओनली, भारत इसमें केवल ऑब्जर्वर मेंबर है, परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर सिर्फ इसमें USA कंट्री है जो 35 कंट्री हैं। क्लियर है, ओके। काम किस पे काम करता है, ये जुडिशली पे काम करता है, सोशल पे काम करता है। देखो कोई भी अगर ग्रुप बनता है तो कई सारे पर्पस होते हैं, है ना, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, तो कोई भी ग्रुप हो तो वही इसका एक पर्पस है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, है ना, विश्व स्तनपान सप्ताह, ठीक है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनेगा ये कब मनाया जाता है, दूसरा बनेगा कि इसका पर्पस क्या होता है, और तीसरा होगा कि ये कौन मनाता है इसको, एक्चुअली कौन। तो ब्रेस्ट, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान, यानी इसका मतलब है कि इसमें जो मदर हैं उनको, बच्चे को स्तनपान कराने के लिए जागरूक किया जाता होगा, पहला चीज़। दूसरी चीज़ अगर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो WHO शुरू किया होगा,
तीसरी बात देख लेते हैं कि ये कब मनाया जाता है। दो बातें हमें नाम से क्लियर होंगी, क्या कि ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है जो मदर हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चों के लिए जागरूक किया था। अभी भी कई सारे कंट्री हैं जो खासकर डेवलप कंट्री, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत परसेंटेज कम है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेके हैं, ठीक है, अपनी ब्यूटी को लेके कई सारे रीजन्स हैं उसमें जो वो दूध नहीं पिलाते अपना दूध, ठीक है, वो मार्केट का इस किसी तरह से पाउडर वगैरह, ठीक। तो देख लेते हैं पहला, सबसे पहले ओके, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, 1 अगस्त टू 7 अगस्त। इनकरेज द ब्रेस्ट फीडिंग, किसको, जो मदर्स हैं या जो मदर्स हैं या सोसाइटी में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उत्साहित करने के लिए, यानी प्रमोट करने के लिए, उन्हें भी जागरूक करने के लिए किसके द्वारा मनाया जाता है, ये WHO के द्वारा, ठीक है। आयरलैंड, फ्रांस, USA यानी रैंक लोएस्ट। मैंने बोला था कि जो कंट्री डेवलप हैं वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग का रेट काफ़ी कम है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं इंडिया में, है ना, देखा होगा जो अर्बन में क्या होता है कि बच्चे को रखने के लिए लोग नौकर रखते हैं, है ना, खुद चलते हैं, नौकर के पास बच्चा होता है। तो अर्बनाइजेशन जैसे जैसे होता है जो मदर का अटैचमेंट है ऐसा लगता है कुछ कम सा है। गांव में आप जाओगे तो कोई मदर है वो हमेशा अपने खाना बनाएगी तभी उसके बच्चा गोद में होगा, यानी वो उसको ज़्यादा केयरिंग होता है, ठीक है। तो जितने भी डेवलप कंट्री हैं, अर्बन सिटी हैं, अर्बन कंट्री हैं, उनमें ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी कम है। तो ये ध्यान रखना है, आयरलैंड, फ्रांस, USA रैंक्ड लोएस्ट, सबसे कम यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मेडागास्कर हाईएस्ट। मुझे लगता है कि सारे डेवलपिंग कंट्री हैं, पुअर कंट्री हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मेडागास्कर, इनमें ब्रेस्ट फीडिंग की रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने बताया भी जो गरीब होता है उसके पास बच्चा ही सब कुछ है उसका, है ना, अमीर लोगों के पास बहुत सी चीज़ें हैं, काम है, लग्जरी लाइफ है, और गांव में जो औरत है उसके लिए खिलौना भी वही है, भविष्य भी वही है। तो इसलिए गांव के जो पुअर कंट्री हैं, पुअर एरिया हैं, पुअर फैमिली हैं, पुअर पीपल हैं, वो ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आगे आते हैं, ठीक है। तो ये था यूनिसेफ द्वारा मनाया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, FCTC कॉन्फ्रेंस, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है FCTC कॉन्फ्रेंस। ये क्या होता है देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है, ओके, हाँ, FCTC का मतलब फ्रेमवर्क, FCTC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, यानी सीधे पूछेगा FCTC कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज़ इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, यानी वर्ल्ड में टोबैको के यूज को कम करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस किया गया, कहाँ पर, जिनेवा में किया जाएगा अक्टूबर में, ठीक है। किसने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO द्वारा। ध्यान रखना है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल पर अक्टूबर 2018 में WHO द्वारा जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, क्या, ब्रिंग डाउन द कंजप्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ टोबैको। विश्व में तंबाकू के उपभोग को कम करने के लिए और तंबाकू के जो उत्पादन है उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसको ब्रिंग डाउन लाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। यानी इसमें क्या होगा कि लोगों ये बताया जाएगा कि टोबैको का मिसयूज़ क्या है, टोबैको का मतलब टोबैको से हानि क्या क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इंडिया में बहुत से लोग तंबाकू करते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो या साउथ ईस्ट इंडिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर ये टोबैको पूरे वर्ल्ड में बैन होता है या इंडिया में बैन होता है या कम होता है तो कहीं ना कहीं उसकी उन किसानों के लिए समस्या हो जाएगी।
तो जब ये कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं, तो यहाँ की जो किसानों की एक संस्था है उन्होंने बोला कि भाई हमारा भी कुछ ध्यान रखा जाए। एक चीज़ तो सही है कि जहाँ पर हेल्थ आता है और जहाँ पर इनकम आती है तो वहाँ पर हम हेल्थ को वरीयता देते हैं, तो लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय तो है, अचानक से अगर टोबैको का बंद हो गया तो जो टोबैको का व्यापार करते हैं, जो टोबैको की खेती करते हैं खासकर इंडिया में, उनको एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो भारतीय किसान यूनियन या जो इंडिया के जो फार्मर के एसोसिएशन हैं, उसने गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि वो हमारा पक्ष भी वहाँ पर रखें। वो इस बात से असहमत नहीं है कि टोबैको को नहीं रोका जाए, बट वो इस बात से हैं कि अगर अचानक से रोक दिया गया तो हमारे जीवन का क्या होगा, जो हम खेती करते हैं, जो हमारे पास स्टोरेज है, उसका क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, FCTC कॉन्फ्रेंस जिनेवा में होगा, कब, अक्टूबर 2018 में। कौन करवाएगा ये? WHO करवाएगा। क्या काम किया जाएगा इसमें? टोबैको को यूज़ को और टोबैको के जो प्रोडक्शन को ब्रिंग डाउन लाया जाएगा, यानी उसको बोला जाएगा भाई इसको कम से कम करो, क्योंकि टोबैको इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, द मेन कॉज ऑफ द कैंसर, कैंसर का ये मेन कॉज है। ओके, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। ठीक है, 5 टॉपिक थे, तो आई थिंक ये आपको समझ में आए होंगे। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो ये PDF है ये आपको डाउनलोड कर सकते हो, मैं ये प्रोवाइड करा दूँगा आपको, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, तो ये सारा चार्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।